नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज बात करेंगे राहुल गांधी के कश्मीर दौरे की। आज कल कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथ में LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और साथ ही वे कभी कश्मीरियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी आइसक्रीम खाते हुए। दरअसल कश्मीर की कुल 2 दिनों की यात्रा के दौरान राहुल गांधी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए गठबंधन की संभावना तलाशना चाह रहे थे, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस NC में गठबंधन हो चुका है। NC के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि कश्मीर में गठबंधन होगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते हुए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव पूरे जम्मू कश्मीर के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको भुनाने के लिए राहुल गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि कश्मीर से 1980 के दशक के बाद से कांग्रेस का डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ। पर क्या सच में पता है? चलिए समझते हैं, जिसमें पहले जानते हैं कि कश्मीर से कांग्रेस फिलहाल क्यों दूर है। नंबर 1, क्षेत्रीय दलों का उभार। जिस तरह से यूपी में सपा और बसपा जैसी पार्टियों के उभार के साथ ही कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति से डाउनफॉल शुरू हो गया था, ठीक उसी तरह कश्मीर में भी NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के आने के बाद से ही कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के बढ़ते जनाधार की वजह से कांग्रेस सीमित होती चली गई। कांग्रेस के कमजोर होने का दूसरा कारण गुटबाजी। जैसे अभी कांग्रेस के बड़े नेता और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद फूट की वजह से कांग्रेस से दूर है, उसी तरह 1960 के दशक में कांग्रेस में फूट अपने चरम पर थी, जहां पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो गई, जिसमें एक तरफ तब के मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक थे तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी प्रमुख सैयद मीर कासिम, जो आगे चलकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। कासिम 25 फरवरी 1975 तक जम्मू कश्मीर के CM रहे, पर इंदिरा शेख समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बने। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने मुफ्ती सईद के जरिए कासिम का कद छोटा किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद को 1975 में PCCI का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब शेख अब्दुल्ला की सरकार के बनने के बाद कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के भीतर बगावत और तेज हुई, क्योंकि अब तक जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, उस पर अब शेख बैठ चुके थे, जिसकी वजह से एक बार फिर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी शुरू हुई, जिसमें सरकार के साथ कासिम गुट था और विरोध में मुफ्ती मोहम्मद सईद गुट, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा, जहां खुद सईद अपने घर का चुनाव हार गए। आगे चलकर सईद को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय किया गया और साथ ही राजीव गांधी युग में भी कश्मीर की राजनीति से सईद को दूर रखा गया। तब राजीव ने कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार का गठन किया, जिन्हें कुछ वक्त तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तरजीह नहीं मिल रही थी। अब नाराज मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली जनमोर्चा में चले गए और आगे चलकर 1999 में कश्मीर में नई पार्टी PDP का गठन किया। गुलाम मोहम्मद सादिक से लेकर मोहम्मद सईद तक और उसके बाद गुलाम नबी आजाद के जमाने में कश्मीर कांग्रेस में आपसी फूट जग जाहिर है, जिसमें पार्टी के भीतर आजाद और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की लॉबियां पार्टी के लिए सार्वजनिक शर्मिंदगी का कारण बनी। परिणाम स्वरूप पार्टी असंगठित हो गई। इसका असर चुनाव में दिखा। नतीजतन 1996 के बाद कांग्रेस को 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम सीटें मिली। पर अब सवाल यह है कि क्या
राहुल गांधी भी कश्मीर में उसी पिच पर राजनीति करना चाह रहे हैं जिस पर कभी खुद उनके पिता राजीव गांधी से लेकर दादी इंदिरा गांधी ने अब्दुल्ला परिवार को आगे बढ़ाकर किया था, क्योंकि दशकों बाद आज भी राहुल युग में भी कांग्रेस का गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो चुका है, जहां कश्मीर की दूसरी पार्टी पीडीपी यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है।